देख सकते हो दोस्तों, आज गोदरेज का पीसीबी फुल्ली इन्वर्टर का, तो इसको हम लोग रिपेयर करेंगे। पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि पूरा वीडियो बना चुका हूँ, फिर मेरे को नहीं बना मेरे से पीसीबी, क्योंकि ये मेरा केकड़ा ऐसी या एसटीआर बोल सकते हैं, ये ख़राब है, इसलिए नहीं बन पाया है। मैं पूरा शुरू से चेक किया हूँ, इसको चेक किया, इधर का चेक किया, इधर का पावर रेगुलेटर 12 वोल्ट जो निकालते हैं उसको चेक किया, तो लास्ट में सबको ओपन कर दिया। पूरा वीडियो देखेंगे समझ आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि हमारा ये ख़राब है, तो ये मार्केट में नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं पहले से बताता हूँ भाई, आप लोगों को पता है कि आपका उसका पीसीबी का ये आपका केकड़ा ऐसी एसटीआर बोल सकते हैं वो ख़राब है, तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि ये रिपेयर नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो आया दोस्तों, मैं आपको भाई रतन। दोस्तों देख सकते हैं, ये डब्बा अगर रिपेयर करेंगे तो कोई भी पहचान लिया होगा, तो ये हमारा गोदरेज का फुल्ली इन्वर्टर फ्रिज का पीसीबी है। तो हाफ वाला भी आता जो मैं पहले दिखाया था रिपेयर करके, ये फुल्ली है, तो इसको देख के पता कर लेते हैं कि है कि नहीं है। ये आपका एसटीआर केकड़ा ऐसे बहुत सारे नाम पे फेमस है ऐसी। ओके, तो मिलता भी नहीं है मार्केट में जल्दी से, नंबर अलग अलग होते हैं। तो आज इसका रिपेयर करेंगे, पावर का ही प्रॉब्लम, इधर इधर का प्रॉब्लम नहीं है, खराब हुआ मतलब पीसीबी खराबी हो गई समझिए। तो आज इसका रिपेयर करेंगे। तो पहले वाला दूसरा था जो आप देखे थे, नॉर्मल वाला बनाए थे, तो लिंक मिल जाएगा आपको, उसको भी देख लीजिए। आपका पीसीबी खराब है तो उसमें थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आप लोगों को, दूसरा कोई पीसीबी है तो रिपेयर करने में। वो थोड़ा लंबा चौड़ा बनाया, ये बहुत शॉर्ट रहेगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना, वो आपके ऊपर है, जब अच्छा लगे तब। ओके, ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार मैं मीटर उटर ले आता हूँ, पहले तो थोड़ा कट कट करके दिखाऊंगा मैं। तो इसको देख लीजिए, थोड़ा सा पास आ जाए भाई, या इसके साथ बहुत सारा वो हुआ है, मतलब वो बहुत गंदी टाइप से इस ब्लास्टिंग हुआ है। ये मैं दिखाऊंगा कैसे। हाँ देखिए, ये काला काला दिख रहा है ना यहाँ पर, बहुत गंदा तरीके से ब्लास्टिंग हुआ है, पूरा हुआ था, फ्यूज़ भी पूरा फट चुका था, और यहाँ बीडीआर था, बीडीआर को देखने लायक था, पूरा फटा हुआ था, तो मैं निकाल दिया था, दिखेगा नहीं बोल के इसको दोनों को निकाल कर हटा दिया। मैं सोचा बीडीआर शॉर्ट करा तो हट जाएगा, लेकिन बीडीआर को निकाला, शॉर्टिंग तो भी नहीं हटा। ओके, तो बीडीआर और फ्यूज़ लगाने से कभी कभी हो जाता है, तो इधर उधर रहता है, तो मैं पूरा चेकिंग करके इस बार दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ देता हूँ, आप लोग यहाँ से ट्रैक करेंगे ना, तो यहाँ लिखाया हुआ है, देखिए दोस्तों, न्यूट एल लिखाया है इस साइड, एल एन लिखाया हुआ इस साइड एल, तो ये बस अपन न्यूट्रल फेस है, तो वहाँ पर डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। या तो अब क्या करेंगे, फ्यूज़ को निकाल लेंगे, वीडिया निकाल लेंगे, तो वीडिया तो जानते हैं क्या काम करता है, वीडिया निकाल लेगा तो भी आपका सर्किट काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करता है एक तरह। क्या वीडिया ख़राब होता है, शॉर्ट होता है, तो फ्यूज़ को मार देता है। ओके, तो क्या हुआ इसके साथ, तो वीडीआर भी ख़राब हुआ और फ्यूज़ भी फटा, लेकिन इधर नहीं रुका, इधर भी शॉर्टिंग बड़ा हुआ है। तो शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं आप लोगों को पता है, मीटर चेक कर सकते हैं, या डायरेक्टली सीरीज में लगाता है उसको। मैं डायरेक्टली यहाँ से कनेक्शन कर रहा हूँ ना, जो आपका एसी कपलर बोल सकते हैं, एसी फिल्टर बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम से फेमस है भी, तो मैं डायरेक्ट इस पे वायर में लगाता हूँ मैं, इधर ये जो दिख रहा है ना, यहाँ यहाँ मैं सो यहाँ मैं सोल्डिंग कर दिया था, जो डायरेक्ट ये ट्रांसफार्मर है आप लोगों का, एसी फिल्टर बहुत सारे नाम पे, इस पर ड्राइवर भी ना बोलते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली ये यहाँ से गए, यहाँ से डायरेक्ट ये ब्रिज रेक्टिफायर में गया है, तो इधर का मैं हटाई दिया हूँ, वीडीआर और आपका जो पीएफ लगे थे उसको हटाई दिया हूँ मैं, और फ्यूज़ का भी साइड को हटा दिया, क्योंकि उधर की शॉर्ट आउट होगा तो अलग बात है, तो डायरेक्ट इधर मार दिया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर में गए, ब्रिज रेक्टिफायर ये यहाँ पास ये होके प्लस माइनस होके डायरेक्ट कैपेसिटर पे आ गए। ओके, ये अंदर ही अंदर गया है ये दोनों, ये एसी है ना ये, और ये अंदर से गया है। जब ट्रेस करेंगे आपको पता होगा, जब ये गोदरेज का पीसीबी है तो आप निकालेंगे, बट ट्रेस करेंगे दो टाइप का आता है, दो टाइप का कैसे पहचानेंगे मैं एक बार बताता हूँ। देखें, एक का यहाँ पर लाइट लगा रहता है, जैसे इसमें लाइट लगा हुआ है, यहाँ पर लाइट लगा हुआ, एक का लाइट नहीं लगा रहता है, बस उसी में पहचान सकते हैं, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हो गया, इसके बाद डायरेक्टली आप सीरीज में डालिए या मीटर में चेक कीजिए, आपको जो आसानी बने। अगले बार मैं इस बार दोनों करके दिखाने वाला हूँ, तो रख दिया इसको मैं नीचे, और मैं ये सीरीज ले आया हूँ, सीरीज में किसी भी पीसीबी को सीरीज में ही चेक करना। ये हो गया, ये इस बार मेरे डायरेक्ट है, इस बार मेरे सीरीज, मेरा पुराना बोर्ड है, प्यारा बोर्ड है, चुम्मे सॉरी परफॉर्मेंस। ओके, तो उसको मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ ये सीरीज में, तो ये देख लीजिए, तो देख सकते हैं कितना अच्छा से लाइट जल रहा है, मतलब समझ जाते हैं फुल जल रहा है, मतलब क्या है आपको भी पता है अच्छा से, ये पूरा शॉर्ट है अभी। ओके, तो शॉर्ट है तो क्या शॉर्ट है, मीटर ले आता हूँ मेरे भाई को, तो मेरा भाई आ गया, इसको मैं डायोड में चेक करता हूँ, अभी चाहेंगे तो वोल्टेज चेक करेंगे, सोचेंगे भाई कभी कभी बोलेगा कैपेसिटर चार्ज होगा, कभी शॉर्ट रहता है तो कभी कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, देख सकते हैं। ओके, वोल्टेज नहीं दिखा रहा, इधर उधर रीडिंग भागता है मेरा। ओके, ये नहीं दिखा रहा है, ठीक, तो डायरेक्ट डायोड में लगा देता हूँ मैं डायोड। सो अब इसमें कुछ चीज़ बचा नहीं दोस्तों, हम लोग फ्यूज़ को हटा दिए, यहाँ वीडिया लग गया तो शॉर्ट होने का को कोई भी चांस नहीं है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली चेक कर देता हूँ। इधर का डायरेक्ट फ्यूज़ हट गया तो मतलब इधर का ट्रैक खत्म हो गया। ओके, उधर से स्टार्ट हो गया, तो उधर का डायरेक्ट यहाँ से मारेंगे, ये भी शॉर्ट नहीं रहता, पीएफ कभी भी शॉर्ट रहता, कभी
मैं देखा नहीं हो जल्दी शॉर्ट, नहीं तो शॉर्ट रहता है तो फटाफट दिखता है, डायरेक्ट निकाल के फेंक दीजिए तो काम हो जाता है अपना। ओके तो इतना चीज़ हो गया, तो डायरेक्ट इस पे लगाया तो यहाँ से भी मेरे को शॉर्ट दिखाया। कभी कभी आपका जो ट्रांसफार्मर है बोलते हैं वो ट्रांसफार्मर खराब रहता है, तो एक बार चेक कर लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट दिखा रहे हैं भी, तो मतलब सही चीज़ है। तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट ही दिखा क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे उठा के डालता है। अब ये यहाँ यहाँ जाता है ये। ओके जैसे मैं बज़र स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये बज़र हो गया, बज़र में आपको ज़्यादा आसानी होगा समझने में। तो ये आपका यहाँ से यहाँ चल दिया, यहाँ से ये यहाँ चल दिया। ओके उसके बाद ये उठ के इसमें जाता है और ये उठ के इसमें जाता है। ओके जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, बजना भाई ये बज गया। एक बार ये कुछ लगा रहता है ना केमिकल, इसलिए नहीं होता है, मेरे केमिकल का नाम भी याद नहीं है अभी, बाद में बताऊंगा आप लोगों को कमेंट वमेंट में। तो ये हो गया, अभी हम डायोड को चेक कर लेते हैं। डायोड को वैसे चेक करते हैं, आप लोग पता होगा नहीं हो तो एक बार बताना मैं कमेंट में, मैं आपके लिए प्यारा सा वीडियो बना दूंगा कि ब्रिज रिएक्टर पर कैसे चेक करते हैं। ओके इतना हो गया, तो मैं डायोड में इसको लगा दी हूँ और यहाँ देख सकते हैं डायोड का नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ से एक बार टच मारता हूँ। ठीक है ठीक है, इधर करके देखते हैं। ओ भाई चुमेश्वरी प्रोकमस, मतलब क्या हो गया, हमारा एक साइड शॉर्ट है ये बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, हमारा ये भी फुल्ली शॉर्ट है दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर। ओके तो यहाँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो क्या करना है, इसको निकाल के जैसे पहला वीडियो में बताया था दो ठो लगा देंगे इसमें, कोशिश मत करना उस चीज़ को। मैं कोशिश किया था और ये ढूंढम ढड़ाम सुड़ूम हो गया था, ये आपका केकड़ा इसी एसटीआर जो भी बोला सही ढूंढूम डरा, क्योंकि ये भी इसी में जाता है, डीसी कोई काम करता है अच्छा से डीसी नहीं बना पाता वो क्लियर टाइप का। इसलिए अब क्या करेंगे, इसको निकाल देना, चार डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना, या इसको निकाल के सेम टू सेम वाला लगा लेना, या बड़ा रहेगा तो बड़ा भी बैठा लेना क्योंकि जगह नहीं होता डब्बा में ज़्यादा, डब्बा में ज़्यादा, इसलिए अब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ उसके बाद हम लोग इसका बात करते हैं। देख लीजिए दोस्तों इसको मैं निकाल लिया था, ये निकल गया, तो देखिए इसको निकाल लिया सही से निकला था। तो इसको निकालने के तरीका क्या था, पूरा सोल्डिंग को एक साथ लगा दो, एक साथ लगा दो फिर निकाल लो, निकल जाता है, नहीं तो आप ड्राई शोल्डर से निकाल सकते हो, जो वो ड्राई शोल्डर मैं अच्छा वाला यूज़ करता हूँ। ड्राई शोल्डर वाला अच्छा वाला यूज़ करेंगे तभी निकलेगा, नहीं तो जो आपका मार्केट में एक पूरा गुच्छा वाला मिलता है वो काम जल्दी से नहीं करता, इसलिए थोड़ा अच्छा वाला ले लेना, और नहीं तो पूरा सोल्डिंग इसमें लगा देना उसके बाद ही निकाल देना। तो ये मेरा निकल चुका था, तो उसके बाद चेक किया तो ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर सही निकला। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ भाई, नहीं तो बोलेंगे कि यार ऐसे दिखा दिया। तो मेरे मीटर को देख सकते हैं डायोड साइड है, तो इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। ओके मीटर को देखते रहिए आप लोग, इसको देखने, ये देखिए एक बार इधर रखा, बता रहा है बता रहा है। ओके उसके बाद पलट दिया मैं, पलटने के बाद ये नहीं बता रहा है, ये नहीं बता रहा, मतलब एक साइड अपना सही हो गया। फिर इसको दूसरा साइड चेक करना है अपने को, इधर रखना है एक बार इधर, ये बता रहा है ये बता रहा है, फिर पलट देना है इसको, ये नहीं बता रहा है ये नहीं बता रहा है, मतलब अपना ये ब्रिज रेक्टिफायर सही है दोस्तों। ओके तो अब सर्किट में और आगे प्रॉब्लम है, ये सही है मतलब इधर ही मार के छोड़ दिया था, मतलब इधर आगे नहीं मारा, तो क्या मारा है, तो आप लोग इधर थोड़ा सा देखना, देखिए ये रेजिस्टेंस भी दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मार दिया, ये खराब हो गया लग रहा है मेरे को, लेकिन दिखा रहा था वैल्यू चेक किया तो मैं, तो ये भी सही, तो अब क्या खराब हुआ है, अब एक ही चीज़ बचा है, तो उसको भी मैं इधर जो अपना वाइपर 16 जाता है, ये वाइपर 16 है, मैं सोचा ये शॉर्ट होगा तो इसको भी ओपन करती है, जो आपका 5 वोल्ट 12 वोल्ट निकालता है, 12 5 बनाता है, 12 से 5 बनता है रेगुलेटर, ये रेगुलेटर आई सी यहाँ पास, तो 5 वोल्ट बना देता है अपना इधर जो भी काम करने के लिए रेगुलेटर करने के लिए। और इसको भी देख, यहाँ फिर पलटा के देख लेते हैं, मैं बजर भी इसको ले आता हूँ, तो कैपेसिटर पर चेक करता हूँ, देख सकते हैं फुल शॉर्ट दिखा रहा है, तो शॉर्ट दिखा रहा, तो मैं हर चीज़ करके देख चुका है इसमें क्या क्या कर चुका हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। तो इसको देखिए इधर जा रहा था ये आपका 5 वोल्ट 12 वोल्ट बनाने के लिए वाइपर 12 में, तो इसको निकाल दिया कि ये शॉर्ट रहेगा, डायोड शॉर्ट रहेगा तो इधर शॉर्टिंग बता रहा होगा, ये निकाल दिया, इधर सेक्शन का निकाल दिया मैं, सब सेक्शन निकल गया इधर, और आपका ब्रिज रेक्टिफायर भी निकाल दिया, लास्ट में बचा ये एसटीआर बोले, केकड़ा ऐसी बोले, बहुत सारा नाम है इसका, तो यही अपना ख़राब है। तो इसको पूरा हर चीज़ निकालने के बाद ही बता सकते कि यही खराब है, कभी ब्रिज रेक्टिफायर भी खराब रहता तो इसलिए होता, तो ब्रिज रेक्टिफायर को भी निकाल दिया, तो बाहर से निकाल लेंगे तो पूरा कंफर्म होता है, बाहर से निकाला तो भी इसमें शॉर्टिंग बता रहा है।
मतलब आपका यही ख़राब, क्योंकि डायरेक्टली इसका इसमें गया है आपका, जब ट्रेस करेंगे ना तो ये इसमें जा रहा था, इसमें जा रहा था, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर से इसमें आता है, इसमें से आके इसमें जाता है, इसमें जाता है डीसी डीसी, तो इसको ओपन कर दिया तो बचा ये, तो ये ओपन हो गया, मतलब इस शॉर्टिंग दिखा रहा, मतलब यही ख़राब है आपका। तो मार्केट में आपको सेम नंबर का खोल के देखना, मिल गया तो लगा लेना, 100% सक्सेस हो जाएगा। जितना मैं बताया बस उतना ही चीज़ करना है आप लोग इसमें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सही है, ये ख़राब है आपका रेगुलेटर। वाइपर वाइपर 16 नहीं मिल रहा है आपको, डायरेक्टली इसको निकाल के आप 12 वोल्ट जो मॉडलर में लगाया था याद है ना आप लोगों को, लगा सकते हैं, लेकिन ये ख़राब है। मार्केट में मिला सेम नंबर का ही लगाना है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपका ये पीसीबी ख़त्म है, आप नया पीसीबी इसमें डाल दीजिए। ओके, तो ये पीसीबी नहीं बन पाया दोस्तों, क्या करें अब, इसमें ये मिलना ही नहीं है आईसी आपको, या आपको एसटीआर मिलना ही नहीं है, तो फिर आगे बताना क्या है। मेरे को मिल जाएगा लगा लूँगा, लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा जल्दी से, क्योंकि अवेलेबल नहीं होता एसटीआर। ओके, तो दोस्तों पीसीबी नहीं बन पाया है, तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं एसटीआर उसटीआर कहाँ से जुगाड़ होगा, तो आप लोगों को भी मैं अप्रूवल करवा दूंगा कि भाई यहाँ यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कहाँ कहाँ मिल रही है, उसके बाद आप लोगों को लिंक वूंक मैं शेयर कर दूंगा। तो वीडियो जैसा भी लगा होगा, अच्छा या बुरा, बुरा लगा होगा डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगा लाइक कीजिए। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं, आपके दिन बहुत बहुत शुभ रहे।